कोई एसेट किसी को ट्रांसफर कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी बिलोंगिंग से निकल गए। मतलब एक शख्स है, उसके पास एक घर है, घर इज वर्थ 500,000 पाउंड। अगर वो घर अपने पास ही रखता है तो वो जब मरेगा तो वो घर उसकी विरासत में, उसकी विल में, डेथ स्टेट में चला जाएगा। लेकिन उस वक्त जो भी उसकी वर्थ होगी वो वर्थ करोड़ों रुपए की हो चुकी होगी, पाकिस्तानी हिसाब से बात की जाए तो, पाउंड्स में बात की जाए तो 5,000 पाउंड वाली 20,000 पाउंड हो चुकी होगी। 2 लाख वाली चीज आप खरीदते हैं तो वो कुछ अर्ज के बाद 2 करोड़ की हो जाती है, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद। तो वो डेथ स्टेट की वैल्यू में बहुत हायर रेट के ऊपर उसके ऊपर टैक्स लग रहा होगा। फिर यह बात जहन में रखी जाए कि आरएनआरबी भी टेपर्ड होता है, ये भी प्रॉब्लम है। तो सवाल ही पैदा होता है कि क्या हम वो प्रॉपर्टी बच्चों को लाइफ टाइम में दे दें? तो अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कभी ना कभी तो उसको डेथ स्टेट के अंदर जाना ही है ना, तो क्या होगा? और अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? लेट्स सी, दी चार्जेबल अमाउंट ऑफ लाइफ टाइम गिफ्ट विच माइट बी सीएलटी और पेट इज कैलकुलेटेड, एग्जेम्पशन वगैरह माइनस करने के बाद चार्जेबल अमाउंट आता है, एंड फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ गिफ्ट। वो उसी टाइम के ऊपर फिक्स हो जाता है। इफ द गिफ्ट बिकम चार्जेबल ऑन द डेथ ऑफ द डोनर, तो वो जो चार्जेबल अमाउंट होता है वो उठाकर हम पैट और सीएलटी की डेथ की वैल्यूएशन में लेकर आ जाते हैं। अगर वैल्यू इंक्रीज होती है ट्रांसफर से लेकर डेथ के दरमियान, बिटवीन द डेट ऑफ द गिफ्ट एंड द डेट ऑफ द डेथ, देन इट इज टू बी इग्नोर्ड, लीव इट। एक एसेट आपने हाउस ट्रांसफर किया, जिस वक्त ट्रांसफर किया उसकी वर्थ 2,50,000 थी, वो डेथ के ऊपर टैक्सेबल हो गया, उस वक्त वो 5,50,000 का हो गया, आप टैक्स देंगे 2,50,000, 2,50,000 का इंक्रीज इन वैल्यू इग्नोर कर दो। सवाल ये पैदा होता है, अगर वो घर 2,50,000 का था और वो 1,50,000 का हो गया तो क्या किया जाए? इफ द एसेट्स डिक्रीज इन वैल्यू बिटवीन द डेट ऑफ द गिफ्ट एंड द डेट ऑफ द डोनर्स डेथ, रिलीफ इज अवेलेबल टू रिड्यूस द चार्जेबल अमाउंट ऑफ दिस गिफ्ट ऑन डेथ। व्हाट इज दैट रिलीफ? फॉल इन वैल्यू रिलीफ। लेकिन ये रिलीफ हासिल करने के लिए यू हैव टू सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। ये कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी, यू हैव टू राइट इन द एग्जाम अबाउट दोस कंडीशंस। टू क्वालिफाई फॉर दिस रिलीफ द एसेट मस्ट आइदर स्टिल बी ओन्ड बाय द डोनी, जो बेनिफिशरी है वो उसकी डेथ के ऊपर उसको ओन कर रहा हो, या और अगर ओन नहीं कर रहा, उसने बेच दिया, इट वॉज सोल्ड इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन बिफोर द डोनर्स डाइट। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन क्या होती है? मार्केट वैल्यू, कनेक्टेड पार्टीज को नहीं बेचा, रीजनेबल जो भी मार्केट वैल्यू चल रही थी उससे उसके रीजनेबल वैल्यू के ऊपर बेचा। अगर किसी रिलेटेड पार्टी को बेचा और आर्म्स लेंथ में नहीं बेचा तो ये रिलीफ आपका गया, फिर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी बाय नेचर ऐसी होती हैं जो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी वैल्यू डिटेरियोरेट होती है, जिसे डेप्रिशिएट होती है, अमोर्टाइज होती है, तो उसके ऊपर ये एलिजिबल नहीं है। नोट दैट दिस रिलीफ इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज एक्सपेक्टेड टू फॉल इन वैल्यू ओवर टाइम, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, वेस्टिंग चैटल्स, टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी विद अ प्रिडिक्टेबल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स, ये अमोर्टाइज डेप्रिशिएट हो रही होगी। जो खुद ब खुद वैल्यू फॉल होती है ना उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं। हाँ, जो सडन फॉल हो जाए किसी वजह से उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है, फॉल इन वैल्यू। कंडीशंस आ गई दो हमारे पास। ऑपरेशन ऑफ द रिलीफ, ये रिलीफ काम कैसे करता है? द रिलीफ ऑपरेट्स बाय रिड्यूसिंग द चार्जेबल अमाउंट बाय द फॉल इन वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द डोनीज पॉइंट ऑफ व्यू। द फॉल इन वैल्यू इज द डिफरेंस, ये फॉर्मूला बन जाएगा फॉल इन वैल्यू निकालने का, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एसेट द डेट ऑफ गिफ्ट,
सपोज 4 लाख वैल्यू थी, द वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डेथ या सेल इफ अर्लियर, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू हो गई थी 3 लाख, तो फॉल इन द वैल्यू इज 100,000. अब आप इस 100,000 को चार्जेबल अमाउंट में से पहले निकाल दें और निकालने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी उसके ऊपर आप डेथ वाली कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं. तो आपको इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपकी जो चार्जेबल वैल्यू होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और अल्टीमेटली आप उसमें वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते. सो इट इज बेनिफिशियल. Fall in value is beneficial, right? Note that कुछ conditions हैं. This relief applies to both PAT and CLT. Death state के लिए नहीं है ये lifetime के लिए. It's applicable on lifetime. तो ये trust के लिए भी beneficial है और individual के लिए भी beneficial है. Only affect the calculation of the IHT on that one gift. आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा कि हर जगह वो फॉल इन वैल्यू जा रही है. नो अफेक्ट ऑन लाइफ टाइम आईएसटी ऑलरेडी पेड. जो आपने आईएसटी दे दिया था उसके ऊपर बात नहीं होगी. जो दे दिया सो दे दिया. हैज नो अफेक्ट ऑन आईएसटी पेबल ऑन एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट और द डेथ स्टेट. यानी कि वो वैल्यू आगे किसी और ने फॉरवर्ड की, किसी और के पास चली गई, किसी की डेथ स्टेट, उसमें कोई अफेक्ट नहीं आ रहा. तो ये जो फॉल इन वैल्यू का जो बेनिफिट मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डेथ के वक्त हमारा मटेरियलाइज होगा. देयरफॉर द ओरिजिनल ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट इज एक्यूमुलेटेड एंड कैरी फॉरवर्ड टू कैलकुलेट द एनआरबी ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स. हम असल देखिए ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट पड़ा हुआ था किसी का 4 लाख, फॉल इन वैल्यू हो गई बाय 2 लाख, तो डेथ स्टेट के ऊपर तो वैल्यू डेथ के ऊपर तो वैल्यू 2 लाख पे टैक्स लग रहा है. लेकिन जब हम लुक बैक 7 इयर्स देखेंगे किसी भी आगे वाली कैलकुलेशन के लिए तो हम ओरिजिनल वैल्यू पे फोकस करेंगे. हम ये फॉल इन वैल्यू वहां पर अप्लाई नहीं करेंगे. तो इसका आसान तरीका ये है कि फॉल इन वैल्यू को एट द टाइम ऑफ डेथ जो टैक्स की कंप्यूटेशन है उसके लिए असिस्ट किया जा रहा है. इसको बाकी माहौल में आप इसको इग्नोर करें. ये नॉर्मल सी बात है.